ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच कमलनाथ नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके प्रोग्राम में शुक्रवार को बदलाव हुआ। वे पहले छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचे, यहां स्टेट हैंगर से विशेष विमान से दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद नकुलनाथ के बायो बदलने की अटकलें भी रही। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं के सवाल पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शनिवार को जबलपुर में कहा कि जो डर रहे हैं या बिक रहे हैं वे जा रहे हैं। कमलनाथ के भाजपा में जाने की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा, आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे? मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विश्वास चतुर्वेदी से। विश्वास जी, आप ये बताइए, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या वो अटकलें सही हैं? मैडम, बिल्कुल माना जा रहा है कि अब वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिस प्रकार से वो राज्यसभा का टिकट चाह रहे थे और उनकी जगह पे कांग्रेस पार्टी ने अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बताया, तब से ही ऐसा माना जा रहा था कि कमलनाथ कांग्रेस से नाराज हैं और वो कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से उनके बेटे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस बायो हटाया है और दिल्ली पहुंचे हैं वो चार्टर्ड प्लेन से, तो ऐसा माना जाता है कि अब वो जल्दी ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। शायद 19 तारीख को उनको सदस्यता भी दिलवाई जा सकती है। और किन किन नेता विधायकों को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की अटकलें हैं, इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए? उनके बेटे ने जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से बायो से कांग्रेस हटाया है तो उनके साथ ही कमलनाथ के करीबी नेता कहे जाने वाले और पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, उनने भी हटा लिया है और माना जा रहा है कि वो भी कमलनाथ के साथ मतलब भाजपा में शामिल होंगे। और इसके साथ 8 से 10 विधायकों के कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 से 10 विधायक और हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। जी जी, विश्वास जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।